यही वो जगह है जहाँ पे इंडिया के पहले अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ था। वापस से हम लोग उसी रास्ते में बढ़ रहे हैं और ये नज़ारे फिर से देखने को मिले अपने को। फलोदी भारत की सबसे गर्म जगहों में से है जहाँ पे टेम्परेचर 51 डिग्री पहुँच गया है जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं हूं फिलहाल जोधपुर में, जिसे सन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, सूर्य नगरी। और अब आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं जैसलमेर की ओर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो सफ़र है ये रेगिस्तान से होकर के होगा और इसमें हम लोग फलोदी जंक्शन, रामदेवरा और लास्ट में पोखरण, वहाँ पर हमारी ट्रेन रिवर्सल लेगी, खैर उल्टे डायरेक्शन में चलेगी, होते हुए लगभग 300 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए जैसलमेर पहुँचेंगे। आज हम यात्रा करने वाले हैं जोधपुर जैसलमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जिसमें स्लीपर, 3 AC, 2 AC सभी कोचेज आपको मिल जाएंगे और इस ट्रेन के स्टॉपेजेस जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। चलिए देखते हैं जोधपुर से डिपार्चर। थोड़ा डीले हो गया हम लोग को आज जोधपुर से निकलते हुए, लेकिन एक अच्छी बात ये लगी कि सुबह सुबह स्टेशन में फल अवेलेबल है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी ये ट्रेन जाती है, जिसमें आगे से कोच पोजिशन रहती है, मतलब स्लीपर के कोच आगे से S1 से लेकर बाकी पीछे तक, और एंड में आपको AC के कोचेज देखने को मिलेंगे। और स्टेशन में यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी तरफ 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे मरुधर एक्सप्रेस को लगा दिया जा चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस आ रही है और अपनी ट्रेन धीरे धीरे निकल रही है। दोस्तों राजस्थान से कोई भी सफर होता है, मतलब उससे अलग ही लगाव है, और जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, इन सभी सिटीज़ से मैं कह रहा हूँ मुझे अलग ही लगाव है। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ जर्नी शुरू होती है, खासकर ठंड के मौसम में राजस्थान को एक्सप्लोर करने में अलग ही मज़े हैं। तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर ठंड के मौके पर आपको अगर जोधपुर आने का, जैसलमेर आने का मौका मिले तो इसे गंवाइएगा मत। यहाँ पर अपनी ट्रेन अभी धीरे धीरे निकल रही है जोधपुर से, और अगला जो जोधपुर रायका बाग रेलवे स्टेशन है वहाँ भी अपनी ट्रेन का स्टॉप है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही दिन और अच्छे से निकल के बाहर आता है, आपको थार डेजर्ट भी घुमाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, और लोकल फूड भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ हम लोग रायका बाग पैलेस से निकले हैं और जो देगाना मकराना वाली लाइन है जो आगे चल के जयपुर वगैरह जाती है, वो यहाँ हमसे अलग हो जाती है। हम लोग जैसलमेर वाली लाइन पर बढ़ रहे हैं रामदेवरा की ओर। रानीखेत एक्सप्रेस
अभी हमें जोधपुर से निकले हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं था, यहाँ पे रेत के जो टीले हैं वो हमें अब दिखाई देने लगे हैं। जल्दी हम लोग थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच होंगे। खूबसूरत राजस्थान के इन डीजल रेल रूट्स में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे डीजल रेल रूट है इसीलिए आपको लगता होगा कि आप कहीं किसी और जगह पे आ गए, जहाँ पे आपको ना कोई खंभे देखने को मिल रहे हैं ना ही इलेक्ट्रिक इंजन की आवाज़ें। लेकिन ये जो रूट है अपने आप में ही खूबसूरत है, और देखते ही देखते हम लोग फलोदी जंक्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पे 136 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग फलोदी जंक्शन आ चुके हैं। जो आती हुई लाइन आपने देखी वो तो लालगढ़ से आ रही थी, और यहाँ से हम लोग बढ़ जाएंगे अब अपनी पोखरण वाली लाइन की ओर, जिससे जैसलमेर की ओर बढ़ने वाले हैं। डेजर्ट जो है, जो रेत है, वो रेगिस्तान यहीं से शुरू हो चुका है, लेकिन आगे चलकर आपको और विशाल रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम लोग थार डेजर्ट में एंट्री ले चुके हैं। और जैसलमेर बिल्कुल थार में बसा हुआ शहर है, बेहद ही खूबसूरत है, वो अलग बात है, लेकिन थार डेजर्ट के जो नज़ारे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कई लोग उतरे हैं, मतलब देखिए भीड़ ही भीड़ है, जो कि स्टेशन में इस ट्रेन के ही यात्री हैं जो उतरे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना इंपॉर्टेंट स्टेशन होगा, कितने सारे लोग उतरेंगे, पर आज कई लोग यहाँ उतरते दिखाई दिए, तो स्टेशन की जो महत्वपूर्णता है वो समझ में आई। इसमें ये हम लोगों ने यहाँ पे कचौड़े ले लिए, देखते हैं इनका स्वाद कैसा है। हाँ, इधर भी मांग रहे कुछ। फलोदी से काफ़ी खूबसूरती से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सूर्य देवता के दर्शन के बाद थोड़ी राहत मिली है, पर अभी भी ऐसा आलम नहीं है कि ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियों को खोला जाए। पार्सल के बाद सोचा वो कचौरी आप लोगों को ट्राई करके दिखा दूं। चाय तो काफ़ी अच्छी थी, शायद मैंने बताया, क्योंकि मौसम देखते हुए चाय सच में जन्नत लग रही थी, पर मेरा मन नहीं था, देखते हैं कचौड़ी कैसी है। मेरा पूरा ध्यान इन कचौड़ियों में था, बिल्कुल गरम गरम है, और ये प्याज और आलू की इसमें फीलिंग है। हरी चटनी, लाल चटनी पहले से मिक्स है उसमें, अलग से चटनी की जरूरत नहीं, लेकिन स्वाद लिटरली बहुत अच्छा है। और ये 20 रुपये की एक पड़ी अपने को। तो दोस्तों, ये है हमारी ट्रेन का स्लीपर, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये S2 कोच है, खैर हम लोग S1 में, पर मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। कुछ ऐसी हैं इसकी सीट, ट्रेन की रेक शेयरिंग है भगत की कोठी साबरमती एक्सप्रेस के साथ। खैर साफ़ सफाई के मामले में सीटें उतनी साफ़ नहीं हैं, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेन खाली है, इसलिए काफ़ी अच्छी भी लग रही है। चार्जिंग सॉकेट एक ही दिया है, स्विचेस टाइप पुराने ज़माने के, ये वाले टिकटॉक वाले स्विचेस। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में रामदेवरा पहुंचने वाले हैं, चलिए देखते हैं रामदेवरा में अराइवल। तो यहाँ हम लोग रामदेवरा पहुंच चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन लग रहा है, और लगता है ज़्यादा ट्रेनें हैं नहीं यहाँ पे, इसलिए साफ़ सफाई भी बहुत ही अच्छी है, या हो सकता है स्टाफ ने काफ़ी अच्छे से मेनटेन किया हो इसको। बाकी स्टेशन को अच्छा बनाने के लिए पेड़ पौधे भी खूब लगाए गए हैं। यहाँ आते आते हम लोगों ने 183 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है, और रामदेवरा जो है अपने
रामदेवरा टेम्पल के लिए मशहूर है, मतलब रुनिच्छा मंदिर के नाम से आप उसे जानते हैं, उसके लिए मशहूर है। और भाई यहाँ पे जो यात्री हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, यात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे जो दर्शन के लिए पहुँचे यहाँ पे रुनिच्छा टेम्पल के। एक रुनिच्छा एक्सप्रेस भी चलती है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कहाँ से कहाँ चलती है। ज़्यादा देर भी हम लोग नहीं रुके रामदेवरा में और हमारी ट्रेन यहाँ से अब चल चुकी है। लोग कहते हैं राजस्थान में पानी नहीं है, और यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा तालाब, बेहद ही खूबसूरत है राजस्थान, मौका मिले तो। यहाँ है पोखरण की प्रसिद्ध चमचम जो हमने ले लिए, टेस्ट करेंगे इसे। और यहाँ पे ट्रेन पोखरण पहुँच चुकी है। यही वो जगह है जहाँ भारत ने अपनी पहली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रायल किया था, जिसमें सभी देशों को बेवकूफ़ बनाते हुए चुपके से उस मिसाइल का जो ट्रायल है यहीं पर हुआ था। तो ये है दोस्तों पोखरण की फेमस चमचम, और ये हमने अपने को 150 का पड़ा है जो डब्बा पड़ा है, इसमें कितने पीस है, 6 पीस बस। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पोखरण में हमारे जो ट्रेन है उसका रिवर्सल भी होता है, जो लोकोमोटिव है वो रूट बदल के मतलब पीछे वाले डायरेक्शन से अब आगे की ओर लग जाएगा, हम लोग वापस इसी डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे जैसलमेर की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर इसे टेस्ट कर लेता हूँ उसका स्वाद कैसा है, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। बढ़िया, मतलब राजस्थानी स्टाइल है, थोड़ा हार्ड सा है लेकिन स्वाद काफ़ी अच्छा आ रहा है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पर। वापस से हम लोग उसी रास्ते में बढ़ रहे हैं और ये नज़ारे फिर से देखने को मिले अपने को। तो दोस्तों यही वो सेमाफोर सिग्नल से जिनकी मैं बात कर रहा था, अभी हम लोग डिजिटल सिग्नल से हटके सेमाफोर सिग्नल से होकर गुजर रहे हैं। ये भारतीय रेलवे में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं सिग्नल्स, और गिने चुने रूट्स में बचे हैं। भारतीय रेलवे के कुछ गिने चुने रूट्स में ही बचे हैं बस सेमाफोर सिग्नल्स। पोखरण पहुंचने से पहले हम लोग इसी लाइन से आए थे जोधपुर से, और अब पोखरण में रिवर्सल के बाद हमारी ट्रेन अब बढ़ रही है जैसलमेर वाली लाइन की ओर, जो कि यहीं से अलग हो जाती है। अगर हम इसमें स्ट्रेट चले जाते तो हम पहुँच जाते जोधपुर वाली लाइन पर। Gracias.
यहाँ आपको दोस्तों जैसलमेर का किला देखने को मिल रहा है और हम लोग जैसलमेर रेलवे स्टेशन अब पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे ट्रेन हमारी एंटर कर रही है और सामने खूबसूरत सा किला दिखाई दे रहा है। जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती ही चली जा रही है। दोस्तों यहाँ पे 299 किलोमीटर की दूरी को हम लोग तय करके अब पहुँच चुके हैं जैसलमेर। ये हमारी ट्रेन का छठा हॉल्ट था और यहाँ तक का जो सफ़र था काफ़ी कमाल का था। हम लोग थार रेगिस्तान से होते हुए यहाँ तक पहुँचे और मैं आप लोगों को बता दूँ स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है। छोटा सा प्यार सा स्टेशन है और स्टेशन से ही अपने को फोर्ट देखने को मिलता है जैसलमेर का। और ये रहा साफ सुथरा अपना स्टेशन। वैसे एक और चीज़ बताऊँ, एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ आप लोग के लिए। मैं जैसलमेर एक्सप्लोर करूँगा, वो व्लॉग भी आपको चैनल में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर जैसलमेर की सीरीज़ आपको पसंद आती है तो ऐसे और भी बहुत सारे ब्लॉग इसी चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। मौसम ठंडा है, मतलब एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, धूप भी है, दोनों चीज़ें एक साथ। और जो एक्साइटमेंट है ना जैसलमेर एक्सप्लोर करने की वो बढ़ती जा रही है। तैयार रहिएगा, मिलूँगा आप लोगों से ऐसी और ढेर सारी जर्नीज़ में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।